नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आसू में। आज हमारे बीच हैं चाइनीज़ के एक बहुत ही मशहूर शेफ और उनके साथ बनाते हैं मिलके आज चाइनीज़ फ्राइड राइस। दोस्तों, चाइनीज़ फ्राइड राइस की होटल स्टाइल में एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन शेफ के साथ में। तो शेफ ने यहाँ पे बीन्स और गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, मिलाएंगे उसमें थोड़ा सा तेल। अब तेल को गरम करते हुए कढ़ाई में पूरी तरह अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि जो कढ़ाई है ना वो एकदम से नॉनस्टिक का काम करेगी। मिलाएंगे इसमें बारीक चॉप की हुई बीन्स और कैरेट, उसे अच्छे से सौते कर लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है इस पूरी प्रोसेस में जो गैस की फ्लेम है वो एकदम हाई होनी चाहिए। बीन्स और कैरेट को ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ी देर सौते करेंगे और अब मिलाएंगे इसमें बॉयल किया हुआ राइस। मिलाएंगे थोड़ा सा एरोमेट पाउडर, थोड़ा वाइट पेपर और थोड़ा सा नमक और इसे अब अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। दोस्तों, अगर चाइनीज़ खाने का एक्चुअल टेस्ट चाहिए तो ध्यान रहे जो भी आप चाइनीज़ फूड बनाते हैं उसे एकदम से हाई फ्लेम पर बनाएं। मिलाएंगे इसमें अब एकदम थोड़ा सा लाइट सोया सॉस, बस अब मिलाएंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, शेफ ने बनाकर तैयार कर दिया है बहुत ही स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही कलरफुल वेजिटेबल फ्राइड राइस। राइस तो बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। देखने में सच में बहुत ही लाजवाब है और यकीन मानिए खाने में उतना ही स्वादिष्ट। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें।